ई2 फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग थ्योरी का क्लास लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा क्लास है, पहला क्लास हमने सुबह लिया था और इसके बाद ये दूसरा क्लास है। मैं बता दूं कि इस क्लास का मैंने कोई टाइम टेबल नहीं रखा है, जब भी मैं फ्री रहूँगा क्लास लेकर के आ जाऊँगा। मेरा टारगेट है जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है और इस समय थ्योरी पढ़ने का नहीं होता है, इस समय होता है अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हम लोग इस सिलेबस को लेकर के चल रहे थे। यहाँ पर जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद ग्रीन के बाद एरे डॉलर जो सेल का चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका थ्योरी अभी हम लेकर के चल रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो फिर वो जो शाम वाला वीडियो है उसको 7 क्लास मैंने करवा चुका है, वहाँ से आप लोग थ्योरी उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आप अब चाहें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप बहुत सारा वीडियोस देख सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। और भी वीडियोस ऐड करना है और सारा धीरे धीरे करके ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो टेस्ट लिए ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ अब तक 400 क्वेश्चन ऐड किया जा चुका है, ठीक है। थ्योरी सोल्यूशन के साथ 400 क्वेश्चन आंसर और सोल्यूशन के साथ अब तक ऐड किया जा चुका है, आप चाहें तो टेस्ट लिए ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 2000+ क्वेश्चन ऐड करने का योजना है, ठीक है। तो चलते हैं, अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सुबह हमने देख लिया था पोटेंशियल, हमने देख लिया था पोटेंशियल डिफरेंस तक देख लिया था, ये सारा सुबह हो चुका था। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर वीडियो आपको लगे कि ज़्यादा स्लो चल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा और फास्ट कर लेंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को क्लिक करके रखेंगे, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या फिर जब भी हम लाइव आएंगे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो लाइव भी इसको हम इस वीडियो को करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन करवा के भी अपलोड कर सकते हैं। टारगेट है जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना, ताकि हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन पर फोकस कर सकें। ये उन लोगों के लिए जिनका थ्योरी थोड़ा सा वीक है। तो आते हैं अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करने से पहले एक क्वेश्चन था, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का सवाल आया था, कार्बन क्या है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है या फिर सेमी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, मतलब कि चालक है, अचालक है या फिर कुचालक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, चालक, अचालक या फिर कुचालक। और सुबह के वीडियो में हमने बताया था कि अगर आउटर मटेरियल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लेते ये हमारा एटम है, ये नाभिक हो गया, और इसका जो आउटर मटेरियल है यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है, मतलब कि अर्धचालक होता है, यहाँ पर अर्धचालक होगा, ठीक है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो जनरली अर्धचालक होता है, और 4 से अगर कम है तो हमने बताया था वो चालक होता है, और 4 से अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है आउटर मोस्ट सेल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4 से ज़्यादा मिलता है। कार्बन में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा आउटर मोस्ट सेल में। तो ये सारा जो होते हैं वो कुचालक होते हैं, ये कुचालक हो गए, ठीक है। तो हमारा ये जो लाइन हो रहा है 4 वाला, इसको हम लोग जनरली अर्धचालक मान करके चलते हैं, अर्धचालक। यहाँ पर हमारा सिलिकन और जर्मेनियम दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इधर का जितना भी एलिमेंट है इसको हम लोग चालक मान करके चलते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछा था कि एक कार्बन हमारा जो है वो क्या है, चालक होगा, अचालक होगा, या चालक होगा, अर्धचालक होगा या फिर कुचालक होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिखाया गया है, यहाँ पर इन सारे जो एक कलर से दिखाया गया है ये मेटल्स हैं, ग्रीन कलर से यहाँ पर मेटलॉइड दिखाया गया है, यहाँ पर नन मेटल दिखाया गया है। यहाँ पर अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा कुचालक हो जाता है, नन मेटल है, ठीक है, नन मेटल है और ये कुचालक है, ठीक है। हमने इस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, यहाँ पर 4 जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मटेरियल में, इस बेसिस पर हमने बोला था ये अर्धचालक है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये अर्धचालक क्यों नहीं है? तो अगर हम बात करें सिलिकन और जर्मेनियम का, तो ऊपर से हम लोग जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं इसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगर हम सिलिकन की बात करें तो कार्बन से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, और अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो यहाँ पर और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो ये और भी बड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद हम एसिन और पीवी की तरफ आते हैं तो ये जो है इसका साइज जो होगा और भी बड़ा होगा, ठीक है। अब साइज जैसे जैसे बड़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मटेरियल में उसका जो फ्री होने का चांसेस है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
अगर साइज बड़ा होगा तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इसको वीकली अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का साइज छोटा है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 14 होगा, 2, 8, 4, ठीक है। तीन सेल है, तीसरा सेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल होता है। तो ये जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली बंधे होते हैं इस प्रोटॉन के साथ, इस नाभिक के साथ, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम सिलिकन की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रांगली बंधे हुए हैं, ज़्यादा स्ट्रांगली बंधे हुए हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं सिलिकन का, तो सिलिकन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है उससे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लूजली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करता है, इसलिए इसको हम लोग अर्धचालक की श्रेणी में रखे हैं। और उसके बाद जर्मेनियम के पास जब जाते हैं तो जर्मेनियम में और उसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो वहाँ पर करंट थोड़ा और ज़्यादा फ्लो करता है। तो सबसे जो बेस्ट अर्धचालक है वो हम सिलिकन को मान करके चलते हैं, क्योंकि सिलिकन के बाद जैसे ही जर्मेनियम में इंटर करते हैं इसमें थोड़ा सा करंट ज़्यादा तेज़ फ्लो करता है, ठीक है। और जैसे ही ऊपर मतलब कार्बन की तरफ जाते हैं यहाँ पर करंट फ्लो करता ही नहीं है। हालांकि कार्बन का दो अपरूप के बारे में भी हम लोग जानते हैं, एक डायमंड होता है और दूसरा ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट में तो क्या करंट फ्लो करता है, ठीक है, ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है, और जो डायमंड होता है इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी जानना चाहिए कार्बन के दोनों अपरूप के बारे में। उसके बाद जैसे ही हम लोग एसएन और पीबी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जब एसएन और पीबी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये फिर कंडक्टर की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। एसएन और पीबी जो है कंडक्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। ये पूरा कंसेप्ट था चालक, अर्धचालक और कुचालक का। तो आई थिंक आपका ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और जान लेते हैं, हमने एक और क्वेश्चन उसमें एराइज किया था, पूछा था कि किसी अगर मटेरियल को पहचानना है उस पर चार्ज है कि नहीं है तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चार्ज हमने बताया था कि या तो आकर्षण होगा, ठीक है, या तो आकर्षण होगा या फिर विकर्षण होगा, ठीक है, विकर्षण होगा, मतलब कि सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, विकर्षण। और अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे तो अपोजिट में हो जाएगा आकर्षण, दो गुण है चार्ज का। अब अगर किसी बॉडी में, मान लेते हैं हमारा बॉडी है, इसमें पता करना है कि चार्ज क्या होगा, ये चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, ये बॉडी हम लोग को पता करना है ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम कौन सा गुण अपनाएंगे, आकर्षण वाला या फिर विकर्षण वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकर्षण। हम लोग विकर्षण गुण अपनाते हैं बॉडी को पता करने के लिए कि वो चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक चार्ज बॉडी को इसके पास लाएंगे, ठीक है। अगर हम अट्रैक्शन वाला, आकर्षण वाला गुण अपनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर ये बॉडी चार्ज नहीं है तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आकर्षण दो केस में होता है, एक तो अपोजिट चार्ज और एक तब भी होता है जब एक बॉडी पर चार्ज है और एक बॉडी पर चार्ज नहीं है, ठीक है, तो भी आकर्षण होता है। अब यहाँ पर अगर हम इस बॉडी को रखेंगे तो क्या होगा, अगर ये चार्ज नहीं है तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चार्ज है कि नहीं है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, विकर्षण वाला फार्मूला हम लोग अपना लेंगे। यहाँ पर एक चार्ज लाएंगे, अगर ये इसको इसको रिपेल कर रहा है, बारी बारी से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी एक केस में इस बॉडी को इसने रिपेल किया तो इसका मतलब कि ये बॉडी हमारा चार्ज्ड है। आई थिंक क्लियर होगा। अगर किसी टाइप का डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। क्लास में किसी भी टाइप का अगर फास्ट चल रहे हैं तो भी आप कमेंट कीजिएगा, स्लो चल रहे हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, आप अपना रिव्यू जरूर दे दीजिएगा, उसके अनुसार हम क्लास को आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह समझ में आया कि विकर्षण जो होता है ओरिजिनल प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब उसके बाद कुछ और जान लेते हैं तथ्य। यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है पर हम आपको समझा दे रहे हैं, सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा। हमेशा यहाँ पर दो मटेरियल लिया गया है, फर्स्ट में एक ग्लास का रड लिया गया है और दूसरा सिल्क क्लॉथ लिया गया है। यहाँ पर सिंपल हम लोग को ये जान लेना है कि ग्लास, रड, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ इन दोनों को लगाते हैं तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ये सिर्फ आपको पता कर लेना है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को लगेंगे तो हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ग्लास पर आएगा, ग्लास पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था जब दोनों को आपस में लग रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया सिल्क क्लॉथ पर,
अब जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस इक्वल होता है स्टार्टिंग में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम मिटा दें तो फिर क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ग्लास हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो सिर्फ एक केस आप लोगों को याद रखना है कि अगर अगर ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ वाला केस आता है तो यहाँ पर ग्लास रड को पॉजिटिव करना है। उसी तरह से यहाँ पर उल क्लॉथ, अगर उल क्लॉथ और एक प्लास्टिक कॉम, ठीक है, एक कंघी है और एक कपड़ा है, अगर कंघी और कपड़ा को लगाते हैं तो हमारा जो उल होगा, ठीक है, जो कपड़ा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उन का जो कपड़ा बना हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज, उल क्लॉथ क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा कंघी को, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है कंघी को दे देगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लास रड, यहाँ पर उल क्लॉथ हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, और एक केस और डस्टर, डस्टर को लेकर के चलना है और एक रड को, रड और डस्टर को अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, रड हमारा जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, रड और डस्टर के केस में रड पॉजिटिव होगा। तो ये थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, इन तीनों को आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है, आते हैं अब विद्युतीय क्षेत्र, विभवांतर तक हो गया था, विद्युतीय क्षेत्र में आते हैं। विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें, नोट कर लीजिएगा, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज या फिर आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, वह विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि अगर यहाँ पर हम लोग एक चार्ज रख दें, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक चार्ज Q1 है, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक टाइप का फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, और इस फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज को ला करके रखें तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दूसरा चार्ज Q2 रखें तो ये या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, वो डिपेंड करता है चार्ज के पोलारिटी पर। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स अनुभव करता है उस फील्ड में आने के बाद। ठीक है, अब इस फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर फील्ड हमने समझ लिया तो इस फील्ड लाइन को समझ लेते हैं। ठीक है, फील्ड एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ठीक है, यहाँ पर Q2 हम लोग लाएँ तो ये फोर्स अनुभव करने लगा। ठीक है, अब इस फोर्स को दिखाने के लिए हम लोग एक काल्पनिक लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फील्ड हमारा जो है इस टाइप का दिखता है, ये दिखता नहीं है, एक काल्पनिक लाइन है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक चार्ज Q1 अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ से फील्ड निकल रहा है जो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का एक फील्ड लाइन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब इस फील्ड लाइन में कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके बारे में और भी बहुत सारा चीज़ एज्यूम करके रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों ले लें, यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्यों ले लें, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पर जाकर के समाप्त हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को ही काफ़ी ज़्यादा सघन कर देते हैं, मतलब कि वहाँ पर लाइन का जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ये बताना है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पर बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर आएँ तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया गया है। वहीं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक है तो यहाँ पर जो फील्ड का जो लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंस है और यहाँ पर काफ़ी वीक है, तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लाइन को दिखाने के लिए
हम लोग इसको सघन या फिर विरल कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और तीसरा पॉइंट ए माना जाता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लिखते चलते हैं, अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा जो आवेश होता है, या फिर विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश से निकलता है, या फिर धनावेश से शुरू होता है, धनावेश से शुरू होता है और ऋणावेश पर खत्म हो जाता है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाता है। ये पहला स्टेटमेंट याद रखना है। उसके बाद दो नंबर पर आते हैं, सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए, अगर विद्युतीय क्षेत्र स्ट्रांग है तो सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्षेत्र के लिए सघन और विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए, सॉरी, विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए लिए विरल बल रेखाओं का यूज करते हैं, रेखाओं का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है। अगर हम इस फील्ड लाइन की बात करें तो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब कि अगर एक चार्ज यहाँ पर है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा हमेशा बाहर की ओर होगा, एक ही डायरेक्शन होगा हर डायरेक्शन पर। अगर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूछेंगे यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपल सीधा होगा। अब कट कर लेगा इसका क्या मतलब होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियर, अगर इस तरह से कट करेंगे तो क्या होगा, एक तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पर कभी दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। इसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युतीय बल रेखाएं, तीन में हम लोग लिखेंगे, विद्युतीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है। अगर काटा तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। एक समान, ठीक है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाएं यूज की जाती हैं, एक समान बल रेखाएं इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, हर जगह पर इक्वल है, ठीक है, मान लेते हैं एक प्लेट यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और दूसरा प्लेट यहाँ है निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हर जगह पर इक्वल होगा, तो इसको हम इस तरह से दर्शाएंगे, एक समान लाइन से एक समान बल रेखाएं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका चौथा पॉइंट। उसके बाद अब आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, जहाँ हमारा एफ क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है, और क्यू क्या होगा, चार्ज होगा, मतलब यूनिट चार्ज की वजह से जितना फोर्स लगता है, ठीक है। या इसको अगर हम दूसरा लैंग्वेज में समझें तो अगर मान लेते हैं कोई एक चार्ज क्यू है और इस पर फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, तो
इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो तीव्रता होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हो जाएगी फोर्स बाई चार्ज एफ बाई क्यू। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा एफ का हो जाएगा न्यूटन और क्यू का कूलम, तो ए हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, या इसको हम लोग न्यूटन पर कूलम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है। अभी हमने बताया कि इसका दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। दो डायरेक्शन नहीं हो सकता मतलब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो होगा ही। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो यहाँ से फोर्स बाई चार्ज निकाल ही सकते हैं, डायरेक्शन भी आ गया। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गया तो ए क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, सदिश राशि। ए क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अगर किसी टाइप का अगर हम गोला एक ले लेते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा जीरो होगा। किसी भी गोला के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा जीरो होता है। अगर कार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर किसी टाइप का बिजली गिर रहा है तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि उसका जो खिड़की है वो बंद कर लें। वो ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार एक मेटल है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो उस पर किसी टाइप का कोई विद्युतीय आघात नहीं होगा और वो जो व्यक्ति कार के अंदर है वो आसानी से बच जाएगा सेफ। ठीक है, और अगर हम इस गोले के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जहाँ आर क्या होगा, आर होगा इसका रेडियस। ये सारे जगह पर एक समान होता है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पॉइंट पर आए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सेम होगा इस सतह के बराबर, सतह पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उतना ही अंदर में भी होगा। ठीक है, तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं और साथ में विद्युत क्षेत्र जाना। अब इसके बाद बात रहता है विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, ओम्स लॉ का, रेजिस्टेंस का, तो ये सारा जो होगा हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।